हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। तो गाइस, मैं आप लोगों के लिए आ गया हूँ एक मैच कवर करने जो कि खेला जाएगा फैन कोड यूरोपियन टी10 प्रेग्यू लीग का, बीसीसी वर्सेस बीआरडी के बीच 1:52 के बाद। इस सीरीज का बीआरडी अपना पहला मैच खेलेगी बीसीसी के खिलाफ। तो इस मैच का फाइनल टीम आपको लाइनअप्स के बाद मिलेगी मेरे इस चैनल पर, जिसका नाम है एबी रॉक्स ड्रीम 11 टीम्स। तो इस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइस, फटाफट मिस मत करो कोई भी अपडेट इस चैनल पर, क्योंकि मेरे नाम के काफ़ी फेक चैनल्स खुल रहे हैं, सो बी अवेयर फ्रॉम देम। सिर्फ इसी चैनल पर आपने जुड़ना है। और यह है प्रीवियस मैचेस की टीम्स जो कि अल्ट्रा क्लीन स्वीप लगी है। तो चलते हैं दोस्तों आगे। बात करूं मैं इस मैच की, तो यार बीसीसी वर्सेस बीआरडी में एक चीज का ध्यान रखना, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीआरडी जो टीम है वो ऑलवेज स्ट्रांग रही है, उसमें एक्सपीरियंस प्लेयर है। काफ़ी लोगों को लगते हैं कि प्लेयर ओल्ड हैं। अरे भाई चलो, आप ना उम्र क्यों देखते हो। मैं आपको बता दूँ, जो एज इज़ अ ओनली मतलब काउंटिंग है भाई, वो तो ऐसी है, आप एक्सपीरियंस नोटिस करा करो। तो एक्सपीरियंस देखो, एज उज देखोगे तो टीम नहीं बनेगी आपसे। बात करूँगा एस नागराज की, तो एस नागराज हमेशा से टॉप ऑर्डर की बैटिंग पर आता रहा है। बॉलिंग कन्फर्मेशन नहीं है कि करेगा कि नहीं, क्योंकि अंसर और नागराज दोनों अच्छे थे। बट अगर आप मेरी राय माने दें, आई एम गोइंग विद नागराज, क्योंकि बहुत बढ़िया खेलता था, बैटिंग सेक्शन में बहुत बढ़िया है, बॉलिंग पिच पे भी धूम मचाने की शक्ति है इसके अंदर। और आगे से बात करूंगा इस बैट्समैन की, तो यहां से लूंगा अनदर प्लेयर्स का नाम है एस साकी मुख्तर। प्रीवियस मैच के अंदर भाई बंदा फ्लॉप हो गया, लेकिन कोई बात नहीं यार, बैटिंग पिच नहीं है, मैं इस प्लेयर की गलती नहीं बोलूंगा। बैटिंग पिच पे आप खेल रहे हो वही बहुत बड़ी बात है। और ए धमेद्रे की बात करूं, धमेद्रे शुरू से काफी लो प्लेयर रहा है, उतना खास नहीं है ये प्लेयर, बहुत जल्दी उड़ता है, किसी भी टीम इसको कोई भी उड़ा सकता है मतलब बॉलिंग में। और अगर मैं बात करूं तो इसकी जगह चाहो तो एन जोसेफ को ट्राई कर सकते हो, बट जोसेफ पे भरोसा नहीं हो रहा था, आई एम गोइंग विद धमेद्रे। और आगे से बात करूं पी प्रसाद की, एक्चुअली कई इनके बैट्समैन ऐसे हैं जो बॉलिंग कराते हैं, तो आई थिंक पी प्रसाद आज के मैच के अंदर, इसकी इकोनॉमी रेट शो हुई थी तो एक आधा ओवर बॉलिंग ने डाल दे। और आगे से बात करूं गाइज ऑलराउंडर की, तो जे इकबाल को लेने वाला हूं। इकबाल इज अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन प्लस इट्स अ ऑलराउंडर जो कि दो ओवर बॉलिंग कराएगा, जिसमें कि कैप्टनशिप हमारे लिए चुनना काफी आसान हो जाती है। तो कैप्टन मेरा रहेगा जे इकबाल। एंड ए हुसैन की बात करूं, आमिर हुसैन कब से खेल रहा है यार ये प्लेयर, जब से आई थिंक मैं फैंटेसी कवर करना शुरू किया था ना, तब से इस प्लेयर को हर सीरीज में देखता हूँ, बंदा हर साल खेलता है ये। और अभी तो इतना एजिड प्लेयर है ये, और बात करूँ इतना एक्सपीरियंस है ना इनको, बॉलिंग पर देखो खास नहीं है, लेकिन विकेट फिर भी निकल जाती है, क्योंकि आपको पता है छोटा सा वेन्यू है, बॉल उड़ी नहीं कैच आई नहीं, बस कैच पकड़ने की थोड़ी सी टेंशन है, क्योंकि ये कैच बड़ी मिस करते हैं, बाकी प्लेयर को एक्सपीरियंस है। और आगे से बात करूँ पी त्रिपाठी की, तो त्रिपाठी को तो यू कैन ड्रॉप, इसकी जगह अगर एस भुयान खेला तो इसको लूँगा, बट बीसीसी का खेल नहीं रहा तो इसकी जगह एक और प्लेयर है ए कुमार, बट उस पर भरोसा ही नहीं है, ए कुमार वासुदेवन पर मैं भरोसा ही नहीं करता, तो त्रिपाठी के साथ जाऊँगा। आगे से बात करूँगा इस बॉलर्स की, तो वी सरदार खान ने डब्ल्यू सरदार खान ने प्रीवियस मैच के अंदर मतलब इतना खास तो उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दिया, आप चाहें तो इसकी जगह कर सकते हैं वकार को, वकार ने भी बहुत बढ़िया खेला है इस सीजन के अंदर, एक आधा विकेट निकाल रहा है। तो जे सिंह राठौर की बात करूं, तो जयपाल सिंह राठौर एंड आर सिंह बोथ आर एक्सपीरियंस बॉलर्स, लेकिन अगर आप कंपैरिजन मारते हो तो आर सिंह ज्यादा बेस्ट है। जे सिंह एक नामी गामी प्लेयर है, आर सिंह एक नाम तो नहीं है इतना लेकिन चला हुआ है। बात करूं सी एस ककरिया की, तो एस ककरिया ने प्रीवियस मैच के अंदर 4 विकेट्स निकाली, शुरुआती ओवर में जब स्कोरबोर्ड देख के मैं दंग रह गया, तब इसने सिंगल 3 विकेट्स निकाल चुका था। आगे से बात करूंगा इस कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की, कैप्टन रहेगा इकबाल एंड वाइस कैप्टन ए हुसैन। फाइनल टीम मैं पोस्ट कर दूंगा थोड़ी और मोर इन्फॉर्मेशन के बाद। तो मिलता हूँ गाइस अगली वीडियो में, बाय।